एक बार एक बंदा सब्सक्राइब करना भूल गया था और वो आज तक सिंगल है। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग, वापस आ चुके हैं एक और शानदार गेम प्ले के साथ। पता है मुझे बड़े दिनों के बाद वॉइस ओवर गेम प्ले लाया हूँ, तो इसको प्यार दिखाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, आज हम खेलने वाले हैं डाकू गेमर वाईटी के साथ, और हर बार की तरह जैसा कि पोचिंकी हमारा घर है, पोचिंकी में ही हम उतरने चले हैं, जहाँ पर कि हमारे साथ 3 से 4 स्क्वाड आई थी और पूरी तरह भसड़ मच गई थी पोचिंकी के अंदर। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि गेम प्ले में क्या हुआ। भाई एक तो पूरी पोचिंकी में मुझे लूट नहीं मिली, लूट मिलने के साथ ही जैसे ही बंदे आ गए सामने, मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि मेरे साइड बंदे हैं, वो किसी और टीम से भिड़ने लग गए, मैं किसी और टीम से भिड़ने लग गया। अब आके खुद ही देखो क्या हुआ मेरे साथ। यहाँ सामने एक बंदा भागते जा रहा था, इसको मैंने नॉक किया, फिर एक बंदा यहाँ आ गया सामने वाले घर में, मैंने अपने टीममेट को कॉल दिया कि भाई मेरे इधर बंदे हैं, उन्होंने कहा ठीक है, बट कोई आया ही नहीं, तो मुझे खुद ही उससे फाइट लेनी पड़ गई। यहाँ भाई मेरी जो एम चोक हुई थी ना, मेरा दिल मेरे गले से बाहर आ गया था, पता है इतनी गंदी एम चोक हुई थी मेरी। वो तो खैर मैंने किसी तरह अपना एम ठीक करके उसको मार दिया। फिर मेरे टीममेट ने कॉल दिया कि आगे एक और टीम है, तो मैं उधर भागने चला गया, और वहाँ जाते ही मेरे को एक बंदा दिखा, बट उसका सिर्फ हेड दिख रहा था, मैंने बहुत ही मुश्किल से सिर्फ उसके हेड पे एम करके उसको नॉक किया और रेड जोन में मेरा काम कर दिया। और यहाँ पर मेरे टीममेट ने उसका एक लास्ट बंदा निपटा दिया, जिससे मुझे मेरी किल मिल गई और पूरी पोचिंग की खाली हो गई। तो इसके बाद हम सीधा चल पड़े और बंदे ढूंढने, ताकि और किल मिल सके। भाई तुम मानोगे नहीं, पोचिंगी से निकलने के बाद हमने पूरे ट्रायंगल मैप का 4 से 5 चक्कर लगा लिया, गाड़ी चेंज करते रह गए, लेकिन हमको एक बंदा नहीं मिला। हमने अपने 2 टीममेट्स को अलग भेज दिया और हम 2 बंदे अलग घूमने लगे ताकि हमको कोई टीममेट मिले, और तभी हमको सामने जाने लगा था मुझे पुलिस के साथ गाड़ी, हम तुरंत उतरे ताकि हमको किल मिले, और मैंने सीधा फायर कर दिया। अब यहाँ पे मेरे टीममेट ने एक बंदा उनका नॉक किया और खुद भी नॉक हो गया। एक बंदा हाथ लगाओ, एक गाड़ी में। अरे नाइस, आजा आजा आजा, हाथ लगा और इसको फिनिश कर दे एक बंदा। ये फास्ट एड है, ओमेगा एक फास्ट एड है, ये कमांडर फास्ट एड दे दे। ओके, भाई सही बता रहा हूँ, यहाँ पे जो तुम्हारे भाई ने 1v3 किया है ना बिना किसी अटैचमेंट के, कारण समझ नहीं रही थी, समझ रहे हो, बिल्कुल समझ नहीं रही थी, फिर भी तुम्हारे भाई ने 1v3 किया है। उन बंदों को मारने के बाद भाई हम फिर चल पड़े बंदे ढूंढने, क्योंकि हमको मिल नहीं रहे थे कोई। तो जैसे मैं इस पहाड़ी पे आया, मुझे आगे से फायर आया और मेरे को दिखा वहाँ पे 3 बंदे लेटे हुए, तो मैंने सीधा उनके ऊपर फायर कर दिया। हालांकि मुझसे एक भी नॉक नहीं हुआ, तो मैं सीधा पीछे भागा क्योंकि यहाँ से स्कारल समझ नहीं रही थी, और मेरा एक टीममेट नॉक भी हो चुका था, तो मैंने अपने टीममेट को एनिमी से हिट कर दिया और इसको रिवाइव करने लगा। जब मैंने अपने टीममेट को कॉल दिया कि भाई जाओ तुम आगे, मैं इधर से कवर दूंगा तुमको। भाई यहाँ मैं पूरा 1 HP बचाऊ, मेरी ना फटके 4 हो गई थी, और मेरे टीम में जैसे आ गए मैंने यहाँ से कवर देना स्टार्ट कर दिया। जैसे मेरा एक टीममेट नॉक हुआ, मेरे को तुरंत यहाँ से भागना पड़ा ताकि मैं वहाँ जाके क्लोजिंग में कवर दे सकूँ उनको। तब तक मेरे टीममेट ने उनका एक बंदा नॉक कर दिया ताकि वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। मेरे को भी भाई यार, एक तो ये पत्थर पे, जब मैं यहाँ पहुंचा मुझे पता चला कि यहाँ पे एक्चुअली 1 नहीं 2 या 3 टीम है। जैसे मैं ऊपर गया मैंने 2 बंदे को नॉक,
किया और दूसरे पे फायर किया ताकि वो थोड़ा होल्ड कर ले। देने चला गया और वहाँ पे मेरा एक्सीमेंट नॉक हो गया क्योंकि यहाँ पे सपेरा था जिसका मैंने सपोला बना दिया। मार्कर अब उस टीम को खत्म करने के बाद मैंने बोला कि मुझे कवर दो, मैं राइट से रोटेट करूंगा और सीधा राइट से निकल कर चिपके थे उन बंदों के पीछे ताकि उनको फिनिश कर सकूं। शॉट मार दे मैंने, वो घर वाले भी इनके पास वाले घर है ना उसी पे नॉक डाला है। Watch out. हाँ इसी वाले पे एक नॉक डाला और एक नॉक है। अच्छा फिनिश हो गया ये, इस और एक है। पीछे वाले घर में चाहिए भाई। यहाँ जो 1 HP क्लच किया है ना मैंने, 1v4 जो किया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था अपने पर कि मैंने 1 HP क्लच कर दिया यहाँ पे। और बस यहाँ पे आखिरी की एक टीम बची हुई थी जिसको कि हमने फिनिश कर दिया बहुत इजी से। अबे देख के जाओ बे कैसे फिनिश किया। और रही बात गेम प्ले की, तो अगर गेम प्ले पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और डाकू गेमिंग YT को जरूर सब्सक्राइब करना। गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ एंड में एक छोटा सा मोंटाज है तुम सबके लिए ताकि थोड़ी फीलिंग भी आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Watch out! It's that first day of first grade, that cute girl, the third day, that backpack, that snapback you've had since the third grade. The first time you got laid, the worst time you got played, it hurt but you're okay, you learned from your mistakes. Your friends back in high school, we thought we were so cool, we'd steal Jack, my dad's stash, and drink the whole night through. The first time you first moved, that's new job, a new roof, new student, made new friends, a new start, a new you. I guess things could be worse. Dad's in sales and my mom is a nurse. Yeah, forget the comes first. Remember all the good, forget about the worst. Yeah, some things will burn and others will hurt. So you can make it work. Yeah, just flashback and be glad that you look back at a good past. Happy that you have that. I like living in the past. It makes me thankful for everything I have. Yeah, every time that I laugh, it makes me grateful for the present and the past. Yeah, but live life too fast. Take it all slowly and you can make it last. Yeah, keep all the